बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं लेकिन उनमें से हमने एक खास सिलेक्ट की है रोहित सर आपके लिए है ये चिट्ठी है अमृतसर पंजाब से ये लिखती हैं हेलो बेटा रोहित मुझे तुम्हारी फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं तुम और तरक्की करोगे लेकिन किसी शो में तुमने मेरे बेटे को कहा था कि वो तुम्हें अच्छा लगता है उसको अपनी फिल्म में कब ब्रेक दे रहे हो कपिल की मम्मी मम्मी जवाब तो आपको मिल गया चिट्ठी फाड़ रहा हूं मैं आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पहले ना आपको चाय पानी कुछ पूछता हूं हेलो सर्वेंट प्लीज हेलो अरे क्या कर रहे हैं आप आपके फादर हैं सर अगर ये मान जाते तो फूफा हो जाता ये लुंगी क्यों पहनी हुई तुमने आज वो आपने कहा ना कि कोई भी प्रपोज कर सकता है तो दीपिका जी मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ क्या व्हाट देखिए आपके पीछे बहुत सारे लड़के होंगे आई डोंट केयर मुझे तो अपनी मोहब्बत देखनी है ना क्यों मालिक देखिए मेरे साथ शादी करने का आपको फायदा बहुत होगा आम आदमी जब शादी करता तो काम पे जाता तो बीवी घर में बैठ कर रोटियां बनाती ना मेरे जो वो है ना इस वक्त काम पे होंगे इस वक्त वो मीटिंग कर रहे होंगे और मेरे साथ उल्टा हो जाएगा आप शूटिंग पे जाओगे मैं घर पे बैठ के खाना बनाऊंगा मैं बोलूंगा मेरी जो दीपू है ना दीपू इस वक्त शाहरुख से बातें कर रही होगी हाथ चल गया जरूर शाहरुख के गले लगी होगी एक्सक्यूज मी शायद आप भूल रहे हैं आप इस घर के नौकर हैं जाइए मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने को लेके आइए और ये पेटीकोट पहन के क्यों आना था आपको आज थैंक यू सर मैं भी चाय लेकर आता हूँ